हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो जैसे कि हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में, आई गेस रेशियो टेस्ट के बारे में, तो उसका दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं रेशियो टेस्ट के बेस पर, और जो कि आया था जीटीयू के 2017 के समर पेपर में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और सीरीज गिवन है। अगर आपने रेशियो टेस्ट का हमारा वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं पहले, और बाद में आपको अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको आसान रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन कुछ गिवन है, तो पहला हमने जब मैंने पहला न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाया था, राइट, तो उसमें हमारे पास ऐसे ही कुछ सीरीज थी। तो हम पहला स्टेप क्या करते हैं, हम जो भी सीरीज है उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एन। राइट, तो एन की बात करो, ये सीरीज, इस सीरीज को आपको एन एन के टर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो वन है एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर एक एक बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो क्या करेंगे एक्स एज इट इज, बाद में देखेंगे एन माइनस वन एन जो भी आए। राइट, नीचे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो तीन दिन बढ़ रहे हैं। यहाँ पर थ्री की बात करो तो मैं कहना है राइट, थ्री मीन्स थ्री एन, अगर मैं एन की जगह एक पुट करूं तो ये थ्री हो जाएगा, ये सो नो। अगर मेरे को दो लाना है तो थ्री एन माइनस वन कर दो, थ्री एन माइनस वन, राइट, और वन लाना है तो क्या करेंगे थ्री एन माइनस टू। राइट, तो अगर एन की जगह पर आप वन रखो तो n की जगह पर 1, लेकिन यहां पर x की कोई पावर है नहीं, तो क्या करोगे आप n माइनस 1। अभी देखो x n की जगह पर 1 पुट करो तो यहां पर 1 हो गया, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1। राइट, दूसरे x की जगह पर 2 का पुट करो तो x रेस टू 2 माइनस 1 दैट इज x रेस टू 1 अपॉन 2 इंटू 3 दैट इज 6, 2 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 5, 2 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 4। तो ये आपको एक सीरीज मिल गई सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया रेशियो टेस्ट का क्वेश्चन है, तो n प्लस कर 1 करेंगे, जहां पर n है वहां पर n प्लस 1 रिप्लेस करना है, तो x रेस टू n माइनस 1, n की जगह पर n प्लस 1 रखो तो n प्लस 1 माइनस 1 दैट इज n। राइट, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, 3n माइनस 2, तो n की जगह पर n प्लस 1, तो 3n प्लस 3 माइनस 2 दैट इज 3n प्लस 3 माइनस 2 दैट इज प्लस 1, समझ में आया। राइट, 3n माइनस 1 अगेन 3n प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 3n प्लस 2, ओके, और यहां पर क्या होगा 3n प्लस 3, यही होगा, n की जगह पर आपने n प्लस 1 रिप्लेस किया। अभी क्या करेंगे, ये रेशियो टेस्ट का, तो बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट का यूज करते हैं, क्या करना है, ए एन प्लस वन डिवाइड बाय ए एन, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं अभी एन प्लस वन, ये रहा एक्स रेस टू एन डिवाइड बाय थ्री एन प्लस वन प्लस थ्री एन प्लस वन थ्री एन प्लस टू एंड थ्री एन प्लस थ्री इसके डिवाइड बाय क्या आएगा x रेस टू n माइनस 1 x रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाय 3n माइनस 2 3n माइनस 1 एंड 3n। राइट, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई गेस। अभी क्या करेंगे, यहां पर x रेस टू n है, यहां पर x रेस टू n माइनस 1 है। राइट, तो n माइनस 1 मतलब क्या, x रेस टू n अपॉन x, तो नीचे डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर अगर x है तो ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो आंसर होगा आपका x, पहले तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये नीचे है एज इट इज 3n प्लस 1 3n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 3, और जो अगेन जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, जो भी हो जाएगा न्यूमरेटर 3n माइनस 2 3n माइनस 1 एंड 3n। अभी आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल में भी 3n 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 तीनों जगह पर है, नीचे भी 3n 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 तीन जगह पर है। राइट, तो हम कॉमन निकालते हैं, ऊपर एक 3n निकाला इसका, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 अपॉन 3n, यहां पर भी 3n निकालेंगे
1 माइनस 1 अपॉन 3n इंटू यहां पर 3n, तो एज इट इज 3n लिखते हैं, और इंटू x तो एज इट इज 5 डिवाइड बाय, नीचे भी है यहां पर 3n, तो 1 प्लस 1 अपॉन 3n इंटू 3n, 1 प्लस 2 अपॉन 3n इंटू अगेन 3n, यहां 1 प्लस 3 अपॉन 3n, दैट इज 1 अपॉन n, राइट। तो जो जितने भी टर्म्स सेम है उसको हम कैंसल आउट कर देंगे, तो 3n 3n कैंसल, यहां पर 3n 3n कैंसल, यहां पर 3n 3n, तो जो भी बचा वो लिखते हैं x इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस 2 अपॉन 3n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3n डिवाइड, क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 3n इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 3n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n। अभी क्या करेंगे, ये तो हमारा आया n प्लस 1 डिवाइड बाय n, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी तक जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाय n राइट इज इक्वल लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये पूरा लिखना है आपको, x इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 3n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3n डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 3n इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 3n इंटू 1 प्लस 1। आई होप कि अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी मैं डायरेक्ट का वैल्यू पुट डायरेक्ट जीरो करता हूं राइट, मैं वैल्यू पुट करके, अगर आप देखो तो लिमिट n की जगह पर इंफिनिटी लिखो, जहां पर n है वहां पर आप इंफिनिटी लिखोगे, तो यहां पर जीरो है ना, यहां पर जीरो राइट, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो और यहां पर जीरो, तो क्या बचेगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं x यहां पर जीरो, ये जीरो हो गया, ये जीरो, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 डिवाइड, यहां पर जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो 3 टाइम्स 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर, तो आंसर क्या आया, ओनली x। अभी हमने रेशियो टेस्ट सीरीज में रेशियो की जो टेस्ट था उसमें उसमें हमने देखा था कि उसकी तीन कंडीशन थी, किसकी, जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्या क्वेश्चन है उसकी तीन कंडीशन थी, क्या क्या थी वो कंडीशन उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपका जो रियल नंबर, सपोज कि l इज अ रियल नंबर राइट, तो अगर आपका रियल नंबर लेस देन 1 है तो जो सीरीज आपको गिवन है दैट इज कन्वर्जेंट, अगर जो रियल नंबर है x राइट वो ग्रेटर देन 1 है दैट मींस योर सीरीज इज, कौन सी होगी वो सीरीज, आपकी वो सीरीज होगी डायवर्जेंट राइट। तो अगर मैं यहां पर दो कंडीशन मेंशन कर देता हूं, इफ x लेस देन 1 तो जो सीरीज होगी वो कौन सी होगी, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, एंड इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगी वो सीरीज होगी आपकी डायवर्जेंट राइट। यहां तक आपको आई गेस कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एस फॉर द कन्वर्जेंस द सीरीज, तो आपको ये डिपेंड करता है किस पे, x पे, अरे वेटिंग में अभी हमको पता नहीं है, हमारे पास दो कंडीशन आ गए राइट, तो ये दो कंडीशन से हम क्या करेंगे, x की जगह पर हमको ये नहीं पता है कि 1 पर क्या होगा, 1 पर क्या होगा वो हमको पता नहीं है, क्योंकि लेस देन 1 पर हमको कन्वर्जन मिल रहा है, ग्रेटर देन 1 पर हमको डाइवर्जन, लेकिन एग्जैक्ट 1 पर हमको पता नहीं है क्या करना है, तो हम क्या करेंगे फिर से सीरीज लिखेंगे, ए क्या थी सीरीज, x लेस टू n माइनस 1 अपॉन 3n माइनस 2, 3n माइनस 1 इंटू 3n यही थी। अभी हमको क्या करना है, लेट सॉरी पुट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमको 1 पर नहीं पता है कि क्या होगी सीरीज राइट, तो हम वैल्यू पुट करते हैं n इज इक्वल 1 लेस टू n माइनस 1, तो 1 की कोई भी पावर होगी आंसर 1 ही आएगा ऑलवेज, ये सो तो ला इन द डिनोमिनेटर 3n माइनस 2, अगर डिनोमिनेटर में मैं 3n को कॉमन निकाल दू तीनों में से तो क्या आंसर आएगा, मेरा आंसर क्या होगा 3n इंटू 3n इंटू 3n राइट, और क्या कर सकते हैं आप ओनली n निकाल दो, n की हाईएस्ट पावर
जैसे कि हमने देखा था हाईएस्ट पावर बीएन वाले, राइट, बीएन सीरीज दैट इज नथिंग बट अ पावर सीरीज, सो एन की हाईएस्ट पावर यहां एन, तो एन इंटू एन इंटू एन क्या बचेगा, 3 माइनस 2 अपॉन n इंटू 3 माइनस 1 अपॉन n, और इंटू जो क्या बचेगा, ओनली 3, राइट, क्योंकि n निकल दिया, तो 1 अपॉन n क्यूब इंटू द ब्रैकेट 3 माइनस 2 अपॉन n इंटू 3 माइनस 1 अपॉन n इंटू 3। अभी ये आपका हो गया n, मैं इसको सब लेट, हमने एक सीरीज पढ़ी थी जो कि था कंपैरिजन टेस्ट और पावर सीरीज, तो bn that bn is equal to 1 upon n cube, right? तो इसको by using power series क्या होगा, sorry, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका दोनों का रेशियो लेंगे जो कि हमने किया था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में, राइट, सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की पहले बात करते हैं, बाकी हम लास्ट में हम ये सीरीज का भी इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट, तो मैं इरेज करता हूं। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हम an अपॉन bn का फाइंड करेंगे, तो an अपॉन bn क्या होगा, 1 अपॉन n क्यूब कैंसल, तो 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन n इंटू 3 माइनस 1 अपॉन n इंटू 3, राइट, यही बचेगा। अभी क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an अपॉन bn इज इक्वल टू ये जीरो पहले लिख लेते हैं, लिमिट पहले लिख लेते हैं एक बार, बाद में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन n 3 माइनस 1 अपॉन n इंटू 3। तो इसके बारे में अगर n की जगह आप इंफिनिटी पुट करो तो ये यहां पर जीरो हो जाएगा, यहां पर जीरो, तो क्या बचेगा, इज इक्वल लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an अपॉन bn क्या बचेगा, 1 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 9, राइट। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो कोई कॉन्स्टेंट है, यस और नो, ये कोई कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो ये कॉन्स्टेंट ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर हमारा कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो हमने बोला था कि जो an और bn दोनों सीरीज है वो क्या हो सकती है, समेशन an एंड समेशन bn बोथ कन्वर्जिस और डाइवर्जिस टूगेदर। अगेन आई एम टेलिंग कि यहां पर ओ आएगा, एंड नहीं आएगा, डाइवर्जिस टूगेदर। तो हमको ये भी पता चल गया है कि an सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंस भी कर रही है और डाइवर्जेंस भी कर रही है, लेकिन हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस। तो हम क्या करेंगे, bn का इस्तेमाल करेंगे, सो bn इज इक्वल 1 अपॉन n क्यूब, उसको हम लिख सकते हैं समेशन bn इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n क्यूब, जिसको हम कंपेयर करेंगे किस सीरीज से, पावर सीरीज से, राइट। तो इसको कंपेयर करते हैं समेशन 1 अपॉन n रेज़ टू p, तो p क्या आएगा, p इज इक्वल टू 3, राइट, p इज इक्वल टू 3 आएगा, जो कि हमारे पास दो कंडीशन रहती है यहां पर। अगर आपका p ग्रेटर देन 1 आ रहा है, दैट इज द सीरीज दैट यू आर हैविंग an एंड bn बोथ नॉट bn, bn जो सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट, राइट। तो ये आपकी जो सीरीज है, इसे लिखते हैं, ये चाहिए, ऑलराइट, यहां पर लिख लेते हैं, तो जो bn सीरीज है आपकी, समेशन bn इज कन्वर्जेंट, राइट। तो जैसे ही आपकी समेशन bn कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्या होगा, बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट समेशन an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो आपको पता चल गया, क्या पता चला कि x की जगह पर मैं 1 रखूं तो जो मेरा an है an इज कन्वर्जेंट, राइट। तो आपको लास्ट में लिखना है कि इफ x लेस देन और इक्वल टू 1, the series is going to be convergent, and if x is greater than 1, the series is going to be divergent. तो ये पूरा numerical, I hope कि आपको पता चला होगा कि हमने 3 series का use किया,
फर्स्ट हमने रेशियो सीरीज से स्टार्ट किया रेशियो टेस्ट से, बाद में हम गए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में, और बाद में हमने यूज किया पावर सीरीज। यहां पर मेंशन कर दो पावर सीरीज, पावर दैट इज पी सीरीज, पी सीरीज टेस्ट। यहां पर आप मेंशन कर सकते हो पी सीरीज टेस्ट। तो ये पूरा न्यूमेरिकल जो कि आया था जीटीयू के 2017 समर पेपर में 7 मार्क्स, राइट। और बाद में आप लास्ट में आपको पता चला x की वैल्यू अगर लेस देन और 1 है, आपको ये लिखना है लास्ट में, राइट। इफ x लेस देन और इक्वल टू 1 तो सीरीज, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी कन्वर्जेंट, एंड इफ x इज ग्रेटर देन 1 दिस सीरीज इज गोइंग टू बी डाइवर्जेंट। आई होप कि आपको ये हमारा जो मैंने न्यूमेरिकल जो सॉल्व करवाया आपको अच्छा लगा होगा, आपको पता चल गया होगा तीनों सीरीज के बारे में, रेशियो, लिमिट कंपैरिजन और पी सीरीज टेस्ट के बारे में, राइट। Alright, so that's it for today. And अगर आपने हमारा आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम इससे भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सपर्ट्स फॉर ऑल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। Alright, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।